लगता है कि इस लोकसभा में नाना पटोले की नाराजगी पूरे महाराष्ट्र में दिखेंगी। जिस तरह से अशोक चव्हाण अभी चले गए और कुछ ही महीने में विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि कई भर्तियां बीजेपी में होने वाली है इनके नाराजगी से। ये तो मुझे मुझे इस बारे में कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन जिस तरह से अशोक राव ने छोड़ के गए, ऐसे मुझे ऐसा लगता है लोगों के दिल में सुगबुगाहट है। लोग शायद जाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन हमारा तो क्या, हमारे डीएनए में कांग्रेस है, तो हमको कांग्रेस में रहना है। कांग्रेस में रहते हुए भी आप कांग्रेस के नाना पटोले के जो नेतृत्व को उंगलियां उठा रहे हैं। उंगलियां नहीं उठा रहा मैं, उनके उनकी नीति के खिलाफ, उनकी वो जो उनकी जो नीति है जो आज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। नाना पटोले ने या कांग्रेस के हाईकमांड ने वो इवैल्यूएट करना चाहिए कि लोग क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज मुझे बताइए, नागपुर में नितिन गडकरी के खिलाफ में कैंडिडेट नहीं दे सकते आप, इसका मतलब आपके पास कोई तैयार नहीं है ना, क्योंकि कांग्रेस ही तैयार नहीं है लड़ने के लिए। नितिन राउत था इतने बड़े कद्दावर, उन्हें लड़ना चाहिए। मुकुल वासनिक जी ने से आके लड़ना चाहिए नागपुर से, नागपुर से उनका होम टाउन है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो और जो भी लड़ने चाह रहे हैं कि खुद की पब्लिसिटी हो जाए, क्योंकि आज नितिन गडकरी के खिलाफ कोई भी लड़ेगा तो वो तो उसकी पब्लिसिटी होगी। आज मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी, सभी को मालूम है कि नितिन गडकरी को हराना इस बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ ऐसा लग रहा है, जो सर्वे आप देख रहे हैं, मैंने लोगों से बातचीत करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि झुकाव लोगों का गडकरी जी की तरफ है, क्योंकि उन्होंने लोगों के काम किया, ऐसा लोगों को लगता है। क्या आपको लगता है कि इस बार अगर बीजेपी की तरफ से ही नितिन गडकरी जी को सीट मिलती है, तो हमेशा वो कहते आए कि मुस्लिम, मतलब हमेशा ही ये सर्वे में बताया जाता है कि बहुजन और मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं जाते, मगर गडकरी जी भी बोलते आए बीच में कई भाषणों में, उन्होंने कहा है आप हमें वोट दो या ना दो, मगर हम काम सबका करेंगे। तो इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को नजर आएगा? वही जो उन्होंने कहा ना, आप वोट दो या ना दो, हम सबका काम करेंगे। और उन्होंने सबका काम किया है, जो मुझे, मैं आज यहाँ बैठे एक मेरा पर्सनल व्यू देके बोल रहा हूँ, नॉट एज अ कांग्रेस मैन, एक पर्सनल व्यू है जो मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है जो आज चर्चा है, आज जो शहर में चर्चा है, सभी समाज उनको चाहने लगा है। मैंने आपको ये भी कहा कि अगर वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो तो बीजेपी में जितने वोट मिल रहे उससे ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसी उनकी आज परिस्थिति है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एज ए इंडिविजुअल मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस का रहते हुए मुझे तो कांग्रेस के लिए काम करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है किसी कारणवश अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है, तो क्या लगता है कि उन्होंने अपक्ष खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए और हम उनके साथ रहेंगे। और नागपुर की जनता कैसी, क्या कहेंगे उस बारे में? नागपुर की जनता डिसाइड करेंगे, अभी इलेक्शन की टिकट बटने दीजिए आप तो नागपुर की। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर नितिन गडकरी जी अगर रहे, कांग्रेस के कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं, सिर्फ जो कांग्रेस के कैंडिडेट को देखे होंगे अपने, मुस्लिम शेड्यूल कास्ट और जो उनके जो नाना पटेल के जो समाज थे, कुंडी समाज का, वो कुछ परसेंटेज वोट मिला, लेकिन पूरा का पूरा लास्ट से मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट ने अच्छा वोट दिया जी। फिर भी लेकिन अब इस बार कौन कैंडिडेट रहता है इस पे डिपेंड है। अभी नाम चर्चा में तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा कि ये इसको टिकट मिलेगी, ऐसे सुनने में आया था कि कहीं कांग्रेस के जो नेता है जैसे कि विकास ठाकरे जी हो या अभिजीत वंजारी हो या फिर विशाल मुत्तेमवार, इनके तरफ से पीछे से आवाज आ रही थी कि अगर गडकरी जी को टिकट नहीं मिलती है तो सभी लड़ेंगे वरना हम नहीं लड़ेंगे। क्या इसमें, इस बात में कोई सच्चाई आपको लग रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर विकास ठाकरे भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मेरी अभिजीत वंजारी नहीं, अगर नितिन गडकरी जी को टिकट नहीं मिलती है तो ही लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, ऐसा कहना है? ये मुझे नहीं लगता, मुझे हो सकता, क्योंकि अब ये आप कह रहे इसका मतलब डर है, कहीं ना कहीं डर है। अगर गडकरी जी को टिकट मिलती है तो कोई नहीं लड़ेगा, अगर नहीं मिलती है तो सब लड़ने को तैयार है। फिर तो कोई भी लड़ेगा, लड़ने के लिए फिर कांग्रेस में माहौल हो जाएगा नागपुर शहर का, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस में माहौल है सिर्फ गडकरी जी के काम की वजह से, लोग उनको चाहे, समझ रहे? अगर उनको टिकट नहीं मिलती और कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट आता है बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट के खिलाफ, तो बहुत कई टक्कर होगी, ये मैं आपको बता दूंगा, अगर गडकरी जी नहीं लड़ते हैं तो। और विदर्भ का क्या सीन रहेगा? 2024 की इलेक्शन है, महाविकास आघाड़ी जहाँ शिवसेना, और मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी को रिप्रेजेंट शरद पवार जी ने करनी चाहिए, बहुत सीनियर लीडर है जी,
ये तीनों ने मिलकर मतलब बाड़ा साहब थोरात को साथ में लेना चाहिए, वड़ेट्टीवार सुनील केदार इन लोगों को साथ में लेते हुए इन लोगों ने आगे में काम करना चाहिए और पॉलिसी बनाना चाहिए। आपने देखा होगा अभी मैंने आज ही पढ़ा पेपर में प्रकाश अम्बेडकर जी, प्रकाश अम्बेडकर जी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, आज ही दिया हुआ है, सुपारी लेने वाले नेता है, कुछ लोग पूर्व सीएम जाने वाले हैं, ये कहाँ से ये न्यूज क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं नाराजी है प्रदेश में, कहीं ना कहीं नाराजी है, तो इसको नाराजगी को दूर करने के जिनको पुराना जो जिनका एक्सपीरियंस है उनको साथ में लेके इन्होंने काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। अभी या तो नाना पटोले जी ने इनको साथ में रख के इनको सामने रख के शरद पवार जी को बोलना चाहिए कि सर आप आगे आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप जैसा डिसाइड करेंगे, क्योंकि तीनों की मिलकर एक महाविकास आघाड़ी बनी हुई है, तीनों ने आपस में बैठ के डिस्ट्रीब्यूट कैसी करना चाहिए टिकट, ये ध्यान में देना चाहिए। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने सीए की एक घोषणा पत्र सामने लाया है, सीए अगर अभी लागू हो रहा है तो इसका क्या असर होगा चुनाव के एकदम किनारे में ये सीए लागू हो गया है, और उसमें घोषणा में ये बताया कि हमारे बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2019 इन्होंने तो पहले डिक्लेयर किया हुआ था सीए का, लोगों ने अपोजिशन भी किया हुआ है, अभी वो सीए उन्होंने क्या क्या दिया उसके बारे में मुझे मालूम है नहीं, अभी वो देखना पड़ेगा, मैं पढ़ने के बाद में टेल यू एवरीथिंग जी। जस्ट आपके मुझे सुना है मैंने कि सीए उन्होंने लागू किया हुआ जी, क्योंकि अभी रमजान की तैयारी शुरू होने की वजह से मेरा ध्यान नहीं था उस पर, अभी जस्ट आपने बताया, लेट मी गो थ्रू दैट पास किया हुआ है। कुछ ही दिन में कुछ ही पल में इलेक्शन का माहौल लगने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, और रमजान का माह भी एकदम कंटिन्यू में आने वाला है, और रमजान के माह में रामनवमी भी आने वाली है, सॉरी आचार संहिता भी के इसमें रमजान के साथ साथ रामनवमी भी आने वाली है, और धार्मिक माहौल से आप किस तरह से देखना चाहते हो इस इलेक्शन को, और आगे मैसेजिंग क्या करना चाहते हो आप बीसीएन के दर्शकों को? धार्मिक देखिए त्यौहार है, त्यौहार मनाने का हर किसी को हक है, रामनवमी में भी हम लोग रामनवमी में जो भी श्रद्धालु लोग रहते हैं हम लोग भी स्वागत करते हैं उन लोगों का शरबत से पानी से, और रमजान में तो पूरा महीना इबादत का रहता है महीना। अभी इलेक्शंस डिक्लेयर कब हो रहे क्या हो रहे इस पर पूरा डिपेंड है, तो किस तरह से कैंपेनिंग होगा क्या होगा ये सब, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार ये महीना बड़ा रमजान का महीना बड़ा पवित्र रहता है जी, रमजान में 30 रोजे रखे जाते हैं, ये सब आपको सबको मालूम है, और पूरे रोजे में इंसान की हालत क्या हो जाती है, नमाज रहती है, इबादत रहती है, तो काम कैसे करना क्या करना ये सब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। तो अब और रामनवमी में देखेंगे सिर्फ एक ही दिन जो पूरा जुलूस निकलता है रामनवमी का, बस वो एक ही दिन वो प्रोग्राम होता है, ये तो पूरा महीना भर चलता है। मैं सभी को रामनवमी की भी शुभेच्छा देता हूँ, और पूरे रमजान की भी सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ जी। जाते जाते आखिरी सवाल, लोकसभा 2024 किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए रहेगा, जिस तरह से मोदी सरकार के ओर से बोला जा रहा है कि इस बार 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार इतना आसान नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है ये जुमला है, जिस तरह मोदी जी ने 15 लाख का जुमला कहा था उसी तरह ये 400 पार, अभी मुझे नहीं लगता कि 400 पार के आप अगर पूरा देश में अगर सर्वे करेंगे, क्योंकि मैंने साउथ में जैसे तमिलनाडु में 39 सीट्स है, 39 में से उनको एक भी मिल जाए तो बहुत है, तो ऐसा तेलंगाना हो गया, ये हो गया, मतलब ये पूरा सर्वे करना पड़ेगा। 400 बोलना आज आप लोगों को भी मालूम है, इट इज़ वेरी 400 मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आप पत्रकारिता में हैं, आप न्यूज़ चैनल में हैं, आपको भी मालूम है कि 400 पार हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, और लोगों में जो गुस्सा है, महंगाई का गुस्सा है, लोग बता नहीं रहे, लोग शांत बैठे हुए, ये देश का जो माहौल है ना, अभी लोग शांत बैठे हुए, लोगों को मालूम ही नहीं, अभी लोग अपना जो गुस्सा है वो उसमें निकालेंगे, वोटिंग में निकालेंगे, तब पता चलेगा 400 पार होता या 400 अंदर होता और किसकी सरकार बनती जी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, इलेक्शन के रिजल्ट में ये बातें पता चलेंगी। लोकसभा 2024 के बारे में आज हमारे साथ थे दो बार महाराष्ट्र और गोवा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे आसिफ कुरैशी जी, ऐसे ही कुछ विशेष चर्चाओं के साथ विशेष अतिथि के साथ हम फिर से पेश होंगे, तब तक आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।